हरियाणा के सियासी मैदान च एक नवे खिडारी की एंट्री हो गई है। किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा के चोन मैदान में नितरे हैं। गुरनाम चडूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाते सियासी पार्टी बनाई है। उन्होंने रोहतक च आयोजित सम्मेलन दौरान यह ऐलान किया। चडूनी ने सूबे दियां सारियां 90 सीटां ते चोन लड़न का फैसला किया। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है। गठन करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी आज कारपोरेट की गुलाम होगी। खासतौर पे जितनी आज तक सत्ता में पार्टियां रही, किसी ने जो निचला तबका है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, रिक्शे वाला है, रेड़ी फड़ी वाला है, दुकान वाला है, उनके बारे पॉलिसी नहीं बनाई, कारपोरेट के बारे सारी पॉलिसियां बनी। और आज देश की जो हालत है वो राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, यानी या तो चौधरी के लिए राजनीति करते हैं या पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं। और इस तरह की नीति रखने से देश की आज जो पोजीशन है वो ये हो गई है कि आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो दो वक्त की रोटी खाने में सक्षम नहीं है। 80 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो सरकार के रेमो कर्म पे, सरकार की भीख पे जिंदा है। आज शिक्षा का व्यापारीकरण है, आज स्वास्थ्य का व्यापारीकरण है, आज खेती का भी व्यापारीकरण कर चले थे। तो आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों की बराबर प्रॉपर्टी है। इन नीतियों